ये बच्चे हैं केंद्रीय विद्यालय एनएमआर ओल्ड जेएनयू दिल्ली के, जो शनिवार 27 फरवरी को होने वाले भारत के पहले खिलौना मेले में हिस्सा लेने जा रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने खास तैयारी भी की है। वर्चुअल तरीके से हो रहे इस मेले में देश के कई चयनित स्कूल हिस्सा ले रहे हैं, और इनमें से एक विद्यालय यह भी है। यहाँ के छात्रों ने कठपुतली के जरिए अलग अलग विषयों को समझाने का प्रयास किया है। छात्रों का कहना है कि इससे खेल खेल में हम बहुत सारे कठिन विषयों को आसान तरीके से सीख सकते हैं। हमें इस कठपुतली के द्वारा जो भी पाठ होते हैं वो सब हमें सजीव लगते हैं। ये देखिए, ये जैसे बोल रहा, हमें लगता है कि वो रियल है, वो आसानी से हमें समझ में आ जाता है। इस गेम को बनाने का हमारा मेन मोटिव यही था कि आजकल के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो वेस्टर्न संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इस गेम के माध्यम से उन्हें अपनी भारत की पुरानी संस्कृति, इतिहास, कला, इन सब के बारे में उन्हें पता चलेगा, और खेल का खेल हो जाएगा, मनोरंजन का मनोरंजन, और इससे उन्हें नॉलेज भी गेन हो जाएगी। फिजिक्स रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब ये टॉय शो करता है, और ये सबसे बड़ी बात है ये रिमोट कंट्रोल्ड है, तो रिमोट एक्सेस बहुत अच्छी है इसकी, एंड ये फोर व्हील्स पे है तो ये किसी भी टेरेन पे काम कर सकता है। प्राचार्य का कहना है कि खिलौने मेले से बच्चों में स्कूल और पढ़ाई के साथ साथ नवाचार में भी रुचि बढ़ेगी। बच्चे आनंदित होंगे, स्कूल एक आनंद का प्लेस बनेगा, जो हमारी शिक्षा नीति का पहला और प्रथम चैप्टर है कि जब खेल खेल में सब कुछ सिस्टम खेल खेल का होगा, तो शायद इनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस टॉय फेयर से बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ इस क्षेत्र से जुड़े तमाम उद्यमियों को भी एक सार्थक मंच मिलेगा।